थंबनेल देखकर जरूर जान गए होंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीपीएस स्कूल का फ्रेंचाइजी के बारे में। इसके बारे में पूरा फुल रिव्यू करूंगा और पूरा प्रोज एंड कॉन्स ढंग से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये डीपीएस का शुरुआत कब हुआ। अभी की डेट में किसी भी पेरेंट से आप पूछिए कि किस स्कूल में नाम लिखवाना चाहते हैं, तो इसमें डीपीएस का नाम पहले नंबर पर आता है, क्योंकि डीपीएस का जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो और स्कूलों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है। डीपीएस से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता, ब्यूरोक्रेट्स, काफ़ी सारे लोग पढ़ के पास हुए हैं, तो जाहिर सी बात है डीपीएस में सब लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि डीपीएस पूरे ऑल ओवर इंडिया में 200 ब्रांचेज अभी तक ओपन कर चुकी है। डीपीएस की स्थापना की थी एक अंग्रेज ने 1949 में, जिसका नाम था मिस्टर डगलस। तब से लेके अभी तक, यानी कि लगभग हमारे देश के आज़ादी के टाइम से लेके और अभी तक में एक 70 साल का डिफरेंस है, और इन 70 सालों में डीपीएस ने वो हाइट को छुआ है। उसको छूने के लिए बाद बाकी स्कूलों को सपने देखने पड़ेंगे। अगर आपको डीपीएस के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। डीपीएस का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको खुद भी एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि अभी के डेट में जो सरकार ने नियम बना दिए हैं कि किसी भी टाइप का अगर आप स्कूल या कॉलेज या कुछ भी इस टाइप का काम आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम बीएड पास होना चाहिए। अगर आप बीएड पास हैं और अगर आप नहीं हैं तो नहीं है, तो आप वैसे लोगों को साथ में जोड़ के आप काम करेंगे, यही होता है। काफ़ी सारे स्कूल के ऐसे फाउंडर हैं जो बीएड नहीं है, एमएड नहीं है, बट कर रहे हैं। और बीएड का डिग्री लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल का होता है, इजीली निकल भी जाता है। बात की जाए कि डीपीएस का अगर आप स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा लोकेशन है। लोकेशन तो देखिए, डीपीएस अपने आप में एक लोकेशन है, अपने आप में एक लैंडमार्क है। कहीं भी आप ओपन कर दीजिए उसके आसपास सोसाइटियां स्टार्ट हो जाती हैं। ये डीपीएस का सबसे बड़ा खासियत है, मैंने देखा। डीपीएस का अगर आप स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो कम से कम 2 एकड़ का लैंड चाहिए। 2 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ा ज़मीन होता है। अगर इतना बड़ा आपके पास ज़मीन होगा तो वो जाहिर सी बात है शहर के बाहर ही होगा, वो बस से अपने घर से स्कूल तक आते हैं। डीपीएस का अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट आ गया क्वालिफिकेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं। दूसरा नंबर फाइनेंस, तीसरा नंबर सिलेक्शन ऑफ एरिया, चौथा हो गया अप्रूवल ऑफ साइट, पांचवा हो गया MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद इसमें फ्रेंचाइज एग्रीमेंट आता है, प्री लॉन्च, पोस्ट लॉन्च और फिर आपका स्कूल स्टार्ट। तो इन सारे प्रोसेस होकर आपको गुजरना पड़ता है। देखिए, स्पेस तो मैंने बता दिया, एरिया भी मैंने बता दिया, अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फाइनेंस। डीपीएस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए अगर बात की जाए कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगा तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए का आपको स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्डिंगें बनानी होंगी। ज़मीन अगर आपका है तो पैसा बच जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी के लीज के ज़मीन पर इतना बड़ा स्कूल खोलने का गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2 एकड़ का लैंड बहुत ही बड़ा होता है, और जब आप वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो आप एक बार कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया तो आप उसको उखाड़ के तो कहीं ले नहीं जा सकते हैं। कल के डेट को अगर लैंड लॉर्ड ने मना कर दिया रिन्यूअल से तो फिर आपका वो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कभी भी एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, रेंटेड प्रॉपर्टी एंड लीज्ड के प्रॉपर्टी पर कभी भी कंस्ट्रक्शन, कभी भी परमानेंट नेचर का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ही बचना चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अब हम क्या करें, तो जब आपका खुद का ज़मीन है तो ही आप इसको स्टार्ट करने का जहमत उठाइएगा। अदरवाइज आप चाहें तो 2 एकड़ का ज़मीन आप परचेज भी कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़े लेवल का अमाउंट आएगा। बाद बाकी आपका इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत टाइप की ब्रांडिंग होंगी जो भी उसके अंदर में आता है, जैसे क्लासरूम के अंदर में क्या क्या आता है, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, AC हो गया, इसमें आपके टेबल कुर्सी हो गए, बेंचेज हो गए, ये सारी चीज़ें एक बार में वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसका जो सब कॉस्टिंग मिलाकर और जो फ्रेंचाइजी कॉस्टिंग अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 50 लाख के आसपास में ये जाता है। क्या इसमें कंपनी रॉयल्टी लेता है? बिल्कुल। जो डीपीएस स्कूल है वो अपने फ्रेंचाइजी से 20% का रॉयल्टी चार्ज करता है पर स्टूडेंट जी। और किस में? ट्यूशन फी में। ट्यूशन फी किसको बोलते हैं? जैसे महीने महीने जो स्कूल चार्ज करता है वही तो ट्यूशन फी। आप देखिएगा अपने बच्चे का भी स्कूल में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है और लिखा रहता है ट्यूशन फी, तो जो ट्यूशन फी रहेगा उसी का 20% डीपीएस लेगा। तो बाद बाकी के चार्जर वो आपको नहीं पे करने, वो आपका रहेगा, आपका स्कूल का रहेगा। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो आप चाहें तो CGTMSE में लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। CGTMSE में अप टू 2 करोड़ तक का लोन भारत सरकार प्रोवाइड करती है, और चूंकि ये
डीपीएस का स्कूल का फ्रेंचाइजी रहेगा तो कोई भी बैंक आपको देने से मना बिल्कुल नहीं करेगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन 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 डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सही से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनवाया, बाद बाकी चीजें आपने ठीक ठाक नहीं करी और आप सही से प्रेजेंट नहीं हो, तो आपका लोन को रिजेक्शन से कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर आप जाइए, वहां जाकर आप संपर्क कीजिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वो तैयार करा देते हैं और पूरा का पूरा स्पून फीड करा देते हैं, यानी कि आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे अप्लाई करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसका नाम है dpseducationalsociety.org/franchiseformapplyonline। मैंने पूरा का पूरा पढ़ ही दिया, अभी आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ, फ्रेंचाइजी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं बट आप इसको पढ़ लेना है आपको। यहाँ पर आने के बाद इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक फॉर्म खुलेगा, ये ध्यान दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी का, ये जो डीपीएस स्कूल का, किसी और वेबसाइट पर जाकर आपको इंक्वायरी नहीं डालना है, तो यहीं पर आपको इंक्वायरी डालना है। ये न्यू दिल्ली में ही इसका है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने इंक्वायरी में नाम, कॉन्टैक्ट, ये वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है आपको, प्रेजेंट पोजीशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन से रिलेटेड पूछ रहा है कि आपका खुद का है कि लीज़ है कि रेंट है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में भर देनी है एंड सबमिट कर देना है। जब आप ये सब कुछ कर देंगे तो डीपीएस स्कूल के तरफ से आपको कॉल बैक अरेंज कराया जाएगा, एक मीटिंग होगी, प्रॉपर वे में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, फिर साइट पर वेरीफाई करेंगे, वही जाकर देखेंगे, वेरीफाई करेंगे ठीक है कि नहीं है, ठीक रहेगा तो साइट का सिलेक्शन हो जाएगा। जब साइट का सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से आएंगे वो, फाइनेंस का देखेंगे कि आप कहाँ से ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद तब आपको फ्रेंचाइजी दे दिया जाएगा एंड आप इस पर ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। बात की जाए कितना प्रॉफिट होगा, तो स्कूल में कितना प्रॉफिट होता है ये तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कहने वाली क्या बात है। डीपीएस का प्राइस इतना हाई है कि सब लोगों का उसमें तो पहली बात एडमिशन नहीं होती है। सो डीपीएस स्कूल के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मौका मिल रहा है अप्लाई करिए, मिल गया तो किस्मत सुधर जाएगा, किस्मत बन जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।